कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज में हाथियों के कारण ग्रामीणों में भय व्याप्त है। हाथियों ने पिछले दिनों एक युवक की जान भी ले ली थी। यही वजह है कि हाथी और मानव के बीच द्वंद्व को रोकने वन विभाग की तरफ से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को समझाइश दी। कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का उत्पात सर चढ़ कर बोल रहा है। क्षेत्र के पसान और कटघोरा वन परिक्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा जंगली हाथियों का दल निर्भीक होकर विचरण कर रहा है। आलम यह है कि हाथियों का यह समूह रहवासी इलाकों में घुसपैठ कर आम लोगों को दहशत में डाल रहा है। हाथियों से ग्रामीणों के बचाव और संपत्ति के नुकसान को रोकने वन मंडलाधिकारी प्रेमलता यादव और वन क्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र चौहान की अगुवाई में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कटघोरा वनमंडल की तरफ से पसान क्षेत्र में दंतैल के समूह को काबू करने हाथी विशेषज्ञ की मदद ली जा रही है। इस हेतु 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पसान रेंज में किया गया। शिविर में सरगुजा से पहुंचे हाथी विशेषज्ञ प्रभात दुबे की मदद ली जा रही है। बता दें कि प्रभात दुबे को हाथियों के हमले से रोकथाम और उन्हें काबू करने में तकरीबन 30 वर्षों का लंबा अनुभव प्राप्त है। उन्हीं की अगुवाई में पसान रेंज के ग्राम सेन्हा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभात दुबे ने जंगली हाथियों का समुचित प्रबंधन, हाथियों का व्यवहार, जंगली हाथियों से सुरक्षित रहने के उपाय, जंगली हाथियों की अलग अलग पहचान करने के तरीके, जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने की विधियां आदि विषयों पर ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पसान से आरिफ खान।